जनपद पंचायत लोरमी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2020 की सरपंच एवं पंच पद का आरक्षण सूची लोरमी जनपद पंचायत में प्रकाशित किया गया। लोरमी जनपद पंचायत में कुल 148 ग्राम पंचायत शामिल है, जहां 2020 में होने वाले पंचायत चुनाव का आरक्षण सूची प्रकाशन किया गया, जहां सरपंच पद की आरक्षण सूची में 103 ग्राम पंचायत आरक्षण के खाते में तो 46 ग्राम पंचायत अनारक्षित को मिला, जिसमें से 41 ग्राम पंचायत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जिसमें 21 सीट महिला को मिला। वहीं लोरमी जनपद के 24 अनुसूचित जनजाति के सरपंच होंगे, जिसमें 12 महिला सरपंच रहेंगी, तो वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग हिस्से में 47 ग्राम पंचायत शामिल है, जिसमें 19 महिला सरपंच चुनेंगे। लोरमी जनपद पंचायत में 46 ग्राम पंचायत में अनारक्षित सूची जारी किया गया है, जिसमें 30 ग्राम पंचायत की मुखिया महिला सरपंच होंगी। रखा गया है और कितने पंचायत? हमारे यहाँ पे लोरमी विधानसभा में 148 ग्राम पंचायत है, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 41 हैं, इसमें से 21 महिला सीट्स हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 24 हैं, इसमें 12 महिला सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 37 है, इसमें 19 महिला सीट है, और अनारक्षित 46 है, जिसमें से 23 महिला सीट का आरक्षण अभी किया गया है। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है, इसमें पूरी में अनुसूचित जाति के वोटर नहीं है, वहाँ पर आरक्षण कर दिया गया जी। इसमें हमारे यहाँ पे 2011 सेंसेक्स के आधार पे वहाँ पे 3 परिवार बताए गए हैं, परंतु अभी कुछ के द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि वहाँ पे ST फैमिलीज नहीं है, परीक्षण के बाद इस पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर पंचायतों का आरक्षण हुआ है, जिसमें एक पंचायत ऐसा है जहाँ पर अनारक्षित सीट, वो वहाँ पर सीट नहीं अनुसूचित जनजाति, वहाँ आरक्षित कर दिया गया। उसमें सूची में नाम 2011 के सूची में नाम तीन सदस्य के नाम हैं, और वर्तमान में अभी एक भी सदस्य का नाम वहाँ हमारे लोरमी विधानसभा के सिंहनपुरी पंचायत है, मतदाता सूची में आज वर्तमान की डेट में समय में आज नाम नहीं है। क्या चाहते हैं, क्या ज्ञापन है? उसमें चेंज होना चाहिए, और हम मैडम से बात भी किए हैं, तो उसमें कलेक्टर साहब से बात करके उसमें चेंज करेंगे। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर का रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।